नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। चांद पर जय हिंद। जी हां, चंद्रयान 3 आज शाम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम रोवर का प्रज्ञा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायने में खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसा कई खास रहस्य छिपे हैं जो कि खास पेशकश में एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 से जुड़े हुए बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। महज 60 मिनट बाद चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई हर एक बात हम आपको बताएंगे। तो आज आपने बचपन से ही सुना होगा, कोई चंदा मामा कहता है, कई सारी कहानियां, कई सारे गाने आपने सुने होंगे। आज भारत चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, वास्तव में क्या स्थिति है हम आपको दिखाएंगे। दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रहा है उस घड़ी, उस लम्हे का कि 6:04 पर अगर सब कुछ ठीक रहा, तय समय के अनुसार, तय प्लान के अनुसार सब कुछ ठीक रहा, तो चंद्रयान 3 आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। तो वाराणसी के छात्र छात्राओं ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर, उनमें खास उत्साह है, खास माहौल है, देखिए। अब तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत तीनों लोग आगे करके भूत पिशाच निकलेंगे। दास बदर तुमरे यश गावे यश श्री मति काटे संगी कंचन भरण विराज पे सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो चंद्रयान 3 की अगर बात किया जाए तो आज पूरा देश की निगाह है। सुनील पाल हास्य कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रयान 3 के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे भारत वर्ष की तरफ से और पूरे वर्ष के भारत की तरफ से तमाम बिल्कुल। सुनील जी, आज जो चंद्रमा के लिए और आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक अलग दिन है। आप लोगों के हास्य कला में भी चंद्रमा का जिक्र होता है, कोई चंदा मामा कहता है, किसी की चांद जैसी महबूबा होती हैं, तमाम तरीके की जो ये परिकल्पनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये अलग अलग रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधेंगे। तो चांद की अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि चांद के पार चलो, चांद जैसी महबूबा हो, और तमाम आपने परिकल्पनाएं बचपन से अभी तक चांद के बारे में अलग अलग राइटर्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शन रहे हैं। लेकिन आज वास्तव में चांद कैसा है, चांद की स्थिति कैसी है, उसके विषय में आज इसरो के वैज्ञानिक बेहद ही करीब से जानेंगे, समझेंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें निकलकर सामने आती हैं, और आज का दिन भारत के लिए बेहद ही अहम, दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। चांद पर जय हिंद। और आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 मिशन से चंद्रयान 3 काफी अलग है, काफी अलहदा है। तो अलग अलग चीजें, तो सुनील पाल जी हमारे साथ हास्य कलाकार जुड़ गए हैं फिर से एक बार। सुनील जी, मेरा सवाल था कि बॉलीवुड भी अलग अलग तरीके से परिकल्पना करता है चंद्रमा की, चांद सी महबूबा हो, चांद के पार चलो,
कई सारे गाने, कई सारे हास्य आप लोगों ने पेश किए हैं, लेकिन आज वास्तव में चांद कैसा है, आज दीदार करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। भारत के लोग बहुत ही अलग तरीके से उत्सुक हैं। आप क्या कहेंगे सुनील जी? बिल्कुल आपने सही गाना याद दिलाया, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, राजकुमार साहब का गाना, पाकिस्तान फिल्म का गाना। लेकिन राजकुमार साहब जो हमारे धरती के राजकुमार और उनका जो स्टाइल था हमेशा राजाओं से जैसा था, अगर राजकुमार साहब अब मेरे आज मेरे सपने में आए थे तो मैंने कहा राजकुमार साहब आप धरती के सुपरस्टार दिन बड़े रहे हैं, चंद्रयान के बारे में आपका क्या विचार है, चांद पे चलना है? वो जवानी की बात थी, तब हम राजकुमार थे, अब हम राजा हो चुके हैं, महाराजा हो चुके हैं, हम चांद पर नहीं जाएंगे, अगर चांद को जरूरत होगी तो वो हमारे पास आएगा, लेकिन चंद्रयान हमारा होके रहेगा। थ्री चीयर्स फॉर चंद्रयान, थ्री चीयर्स यानी चंद्रयान थ्री। और आज हम सब खुशियों से इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे और हो जाएंगे टेंशन फ्री। मैंने पंकज त्रिपाठी से पूछा, पंकज त्रिपाठी ओमाई गॉड वाले जी, देखो ओमाई गॉड आप कर रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना की? बढ़िया है सुनील बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा चंद्रयान थ्री। लेकिन मेरा एक मित्र है चंदर नाम का जी, उसके पास तीन गाड़ियां हैं और गाड़ियों को भी यान कहा जाता है, ऑटो है, बाइक है, फोर व्हीलर है, उसके तीनों गाड़ियों को चंद्रयान थ्री कहा जाएगा क्या? बिल्कुल कहा जाएगा, कहाँ है वो तीन गाड़ियां? कल ही चोरी हुई है, तो आज रो रहा है चंद्रयान थ्री, हो गया चंद्रयान फ्री, उसकी गाड़ी चोरी हो गई। लेकिन भारत, भारत का चंद्रयान ना चोरी हो सकता है ना कुछ, क्योंकि दिल की भावना है, मन की भावना है, चांद की भावना है, और चांद जो है हमें मोहब्बत से चांद मून, अब लगता है कि जब चंद्रयान थ्री का सपना पूरा हो जाएगा तो हमारा मुन्ना अपना हनीमून मून पर भी बनाएगा, बहुत जाएगा दूर, फ्रॉम मिर्जापुर टू चंद्रयान टूर। बढ़िया ना कसम, मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तानियों का, पूरे धरतीवासियों को अब इस बात का इंतजार है। कभी कभी लगता है भगवान चंद्रयान थ्री जो है सक्सेस करके रहेगा, क्योंकि सेक्रेट गेम बहुत हो चुका है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सब लोगों को खुशी होने का टाइम हो गया, क्योंकि मेरे को लगता है माँ का, बाप का, भाई का, सबका सपना है आज के दिन चंद्रयान थ्री सक्सेस हो, यही दुआ मांग रहा नवाजुद्दीन। बिल्कुल सुनील जी, मैं बहुत बार आपको देखता, आप वॉइस को बड़ा अच्छा पकड़ते हैं कि ट्रेन जब चलती है तो किस तरीके से उसका आवाज, कभी धीमी कभी ये, कई बार मैंने आपको सुना है आपके लाइव शो में। तो आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए चंद्रयान जब चंद्रमा पर लैंड करेगा, एक काल्पनिक आवाज किस तरीके से होगी, कुछ आपने कल्पना किया क्या? मुझे लगता है कि चंद्रयान थ्री भी ऐसा सक्सेस होगा कि उसको शुभकामनाएं देने की जो आवाज ऊपर से होगी वही होगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमारे चंद्रयान थ्री को सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई सरहद नहीं रोक सकती, ये चंद्रयान थ्री जो है ये सीमा इधर नहीं है जिसे लोग डर जाएंगे, ये सीमा के पार जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इन है, सच सच इन है, और हम जैसे चंद्रयान थ्री कामयाब हो जाएगा हम गदर थ्री बनाएंगे, गदर थ्री, गदर थ्री। बिल्कुल आपने चंद्रयान को गदर टू से जोड़ दिया, इस समय बड़ा बहुत पॉपुलर हो रखा है और चंद्रयान भी इस समय जुबान पर है। देखिए, एक कॉमेडियन और एक हास्य कलाकार और एक भारतीय, अलग अलग चीजें, अलग अलग किरदार आप जीते हैं और अलग अलग किरदार को आप पकड़ते भी हैं, बड़े आपका हास्य जो है वो बहुत ही अलग है। लेकिन सुनील जी, एक भारतीय होने के नाते और कभी भी कभी आप छात्र भी रहे होंगे और पढ़ते ही होंगे कि चंद्रमा के बारे में, उस समय और आज आप क्या महसूस कर, थोड़ा बचपन से लेके आप थोड़ी सी कल्पना जो है आपकी? बचपन में चांद जो है वो सभी को बड़ा अट्रैक्ट करता था, कि मेरा तो फेवरेट फल भी गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन मेरा मिठाई जो थी गुलाब जामुन फेवरेट थी, और फलों में जामुन फेवरेट था,
डांस में मून वॉक मेरा फेवरेट था, माइकल जैक्सन का मून वॉक। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत भी चांद को देखकर ही खोलती है। तो चांद हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं, मैं कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कर कदर तू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कर कदर तू, इस धरती माँ को मानता है अगर मदर तू, तो चंद्रयान 3 के लिए कामयाबी की दुआ कर, वरना सनी देओल ही नहीं हर एक हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मनाएगा, मचाएगा गदर 2, है ना जी। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वेस कीमती वक्त निकाला और इंडिया न्यूज के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। भरत जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर भरत, आप तक आवाज पहुंच रही है, सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज जी जी, आपकी आवाज, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है जी। मेरा सवाल भरत जी आपसे ये है कि चंद्रयान 3 की अगर सॉफ्ट लैंडिंग की बात किया जाए, 6:03 पर तय समय है, सब कुछ अच्छा रहा तो तय समय पर ही होगा, चंद्रयान 3 के इस सफर को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं सभी भारतीयों को और विश्व के सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और ये भारतवर्ष एक विश्व में अपना परचम लहराएगा जी। अब रही चंद्रयान 3 के जो लास्ट स्टेज है इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें 4 स्टेज हैं जो अभी शुरू होने हैं। अभी ये 30 मीटर के ऊंचाई पर, ये चंद्रमा के 30 मीटर ऊंचाई पर परिधि में घूम रहा है और इसकी स्पीड जो है 1600 मीटर प्रति सेकंड है जी। इस समय आप ये समझिए कि इसके बाद इसमें पहला काम ये होगा जिसे हम रफ लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग कहते हैं जी। ये स्टेज हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि इसकी स्पीड जो हमारी 16 से है उसको हमें 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाना है, पहला काम करना जी, है जी। तो इस पर आने के बाद और ये फुल टाइम इसमें लगेगा केवल 690 सेकंड जी। 690 सेकंड में इसको हार्ड लैंडिंग करके 1600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाना है जी। ये टास्क हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब इसके बाद उसको हमें अल्टीट्यूड बैलेंसिंग कहते हैं जी जी। उसी जगह जहां ये पहुंचा है 3 मीटर से 7.6 मीटर की परिधि में घूमेगा, उसमें हमें उसको बैलेंस करना जी। उसमें उतार चढ़ाव ना हो और 7.6 मीटर पर वो घूमता रहे, इसे हम अल्टीट्यूड बैलेंसिंग कहते हैं जी। तो इस क्रिया को हमें निभाना, जब हमें इस पर इंश्योर हो जाएंगे कि अल्टीट्यूड बैलेंसिंग हो गई है जी, तो इसकी पुनः स्पीड को कम करना है और उसकी कम करने के लिए हमें फिर से उसको शाफ्ट लैंडिंग की तरफ जाना। अभी हमने कहा था रफ, अब ये शाफ्ट की तरफ चलना है। इसमें शाफ्ट में ये करना है कि इसके दूरी तो बहुत ज्यादा नहीं कम करेंगे, 7.6 मीटर से केवल 6.8 मीटर पर जी केवल जाएंगे, 7.46 से, और केवल उसमें स्पीड भी हमारी 336 हो जाएगी, 336 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। इसके बाद काम आता है कि हम लैंडिंग की तरफ चलेंगे और लैंडिंग की तरफ हमें जो लेकर के चलना है वो 80 मीटर पर लाना है हमें, और ये उस पर हमें जो है चारों तरफ इसको घूमते हुए जब 800 मीटर, मतलब हमें वो जो कहिए कि वो आगे किलोमीटर, हमने शायद गलत बोला, 30 किलोमीटर, 7.6 किलोमीटर, और तीसरे पर हमें जो करना है 6.8 किलोमीटर, अब हमें लाना है 1 किलोमीटर से कम, 800 मीटर पर लाने पर हमें ये काम
800 मीटर पर हमें यहाँ पर पहला काम है कि लेजर से जी। लेजर से प्रयास करना है वो सतह ढूंढे जिस पर वो लैंडिंग होनी है, क्या वो ऊपर खाबड़ नहीं है। मैं एक चीज यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव 14 दिन प्रकाश रहता है, जो आज से शुरू हुआ है, और 14 दिन डार्क डे होता है। जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे में रात और दिन होता है, जी जी, तो समझिए 14 दिन के रात 14 दिन का दिन, आज से दिन चालू हो गया। तो हमें ये देखना है कि वो हमारा विक्रम लैंडर जी वहां 80 मीटर पर वो घूमता हुआ ये देखेगा कि सुरक्षित जगह कहाँ है, और गहराइयां भी वहां पर आप ये समझिए कि जो गहराइयां आपने देखा होगा पहाड़ों में, वैली में होता है जी, जी। उससे कई गुना वहां पर गहराई है। हमने भी अपना वैज्ञानिक अपने दूरबीन से देखा तो उसमें गड्ढे छोड़ दिए। अब ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे वाराणसी में क्या हलचल है, किस तरीके का माहौल है वहां पर? देखिए बिल्कुल, अगर बनारस की बात करें तो बनारस शिक्षा की भी राजधानी कही जाती है, और ऐसे में यदि छात्र छात्राएं की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पीछे देखिए स्कूली छात्र छात्राएं हैं जो कि एकदम पूरे जोश में हैं, उत्साह में हैं, तिरंगा लहराते हुए जो है वंदे मातरम बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम छात्र छात्राएं हैं, इनका जोश, इनका उत्साह वो देखने लायक बनता है, और सब जो है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखना चाहते हैं, इसलिए विद्यालय में भी रुके हुए हैं। और यहाँ पे एक बहुत बेहतर व्यवस्था की गई है विद्यालय में, जो यहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं उनको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। बेटा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है, क्या सोचते हो? हमें बहुत खुशी हो रही है और गर्व की बात है कि भारत ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करा रहा है। इसे हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के जो इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया, इंजीनियर्स ने काम किया, इसके पहले एक बार प्रयास असफलता पर इस बार पूरी तैयारी के साथ में जो है की जा रही है। उसके साथ ही जो तमाम अगर हम यहाँ की बात करें तो पूजा पाठ भी किया गया है, और जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है कि इस बार चंद्रयान 3 जो है एकदम सफल होगा, उसकी लैंडिंग सफल होगी। जी, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप बताइए? इस बार तो हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह सफल होगा, लैंडिंग उसकी सफल होगी। पूरा विश्व और क्या पूरा भारत जो है इस आशान्वित है और गर्व महसूस कर रहा है कि आज हमारा देश दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कर रहा है चंद्रयान 3। हमें पूरा विश्वास है, बच्चों में उत्साह आप खुद ही देख रहे हैं विद्यालय की तरफ से, सारे बच्चों के लिए कई जगह जगह पे हमने टीवी और ये लगाए हैं प्रोजेक्टर कि बच्चे इसे देख सके, और हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला पल ही है। एक सर और भी हैं, इनसे कहेंगे। जिस तरह से 140 करोड़ की जो हमारे देश की आबादी, जो जनसंख्या है, वो भी एक आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम सभी लोग जो है एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, और हम लोग को बहुत गर्व है कि आज हमारा देश आज बहुत ही उत्साहित है इस चंद्रयान को लैंड करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे बेटा? मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसने अपना नाम ऐतिहासिक पन्नों में लिखवाया है, क्योंकि हमारा देश एक पहला देश है जो अपना चंद्रयान सक्सेसफुली सदन लॉन्च करवा रहा है, लॉन्च करवा रहा है। भारत माता की जय। बिल्कुल, देखिए भारत माता की जय के उद्घोष। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे देश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे हम लोग के स्कूल की तरफ से दिखाने के लिए बोला गया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो जोश, जो उत्साह वो देखते लायक है। आप देख सकते हैं जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं, और वो पल बहुत जल्दी आने वाला है जब चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग करेगा। उसके लिए तमाम जो यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो विद्यालय की तरफ से तमाम प्रबंध किए गए हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को दिखाने का जो है अपना प्रयास किया जाएगा। यहाँ मैम लोग भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम,
क्या कहेंगे जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात हो रही है और पूरा देश 140 करोड़ की जो आबादी देश की है, पूरे विश्व की निगाह भारत पे है। हमें बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम आज करके दिखाएंगे सबको कि हम भारतीय हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं और हम पूरी दुनिया में आगे हैं और आगे रहेंगे। और आज हमें बहुत खुशी है और हम ये आशा करते हैं कि बहुत ही सफलतापूर्वक वहाँ पे रहनी होगी और हम बहुत इसके लिए खुश हैं सारे लोग। और हमारे बच्चे भी इसीलिए उत्साह से देखने के लिए आए हुए हैं, जो हर एक बच्चा, देश का हर एक नागरिक इसको देखेगा और हम सब अपने भारत होने पर इस पर गर्व करेंगे कि हम एक भारतीय हैं और हमने ऐसा काम करके पूरी दुनिया में दिखाया है। बिल्कुल, भारतीय होने पे गर्व है, क्या कहेंगे मैम? जी सर, बिल्कुल बात मैम, जैसा कि मैम और सर ने कहा कि हमें भारतीय होने पे बहुत गर्व हो रहा है। दिस मिशन इज ऑल अबाउट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द आवर मिशन चंद्रयान ऑन द मून, राइट? तो साउथ पोल पे हमारा जो मून पे लैंड करेगा, हमें इस बात को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा इसरो आज सफल होगा। जो भी हमें चंद्रयान 2 में असफलता हमें मिली है, उस पे हमने रिकवर करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन चंद्रयान 3। आई एम सो वी आर सो मच प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन एंड वी आर सो मच प्राउड ऑफ इसरो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए ये बोलते हैं इसको, हाँ। नेशन स्पिरिट ये बोली जाती है, कितना जो है भारतीयता होने पे गर्व है और इनको पूरा इंतजार है कि सफल लैंडिंग हो। आप देख सकते हैं पीछे जो तिरंगा लहराया जा रहा है बच्चों के द्वारा, आप देखिए तिरंगा लहरा रहे हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ, कितना जोश यहाँ का देख के आपको बताऊं कि मेरे जो है रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं। जिस तरीके से जो वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, उससे जोश समझा जा सकता है कि कितना इनके अंदर जो है। वाराणसी में बहुत उत्साह है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमरोहा का रुख करते हैं जहाँ पर अरुण चैर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे कि कैसा माहौल है, कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल, देखिए अमरोहा की बात करें, यहाँ पूरे भारतवासी हैं, सबका उत्साह का माहौल है। और आज योगी सरकार ने भी ऐलान किया था कि आज जो स्कूल है वो खोले जाएंगे, तो हम एक स्कूल में मौजूद है। यहाँ पे आप देखेंगे जो तमाम के छात्र हैं स्कूल का, तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं किसी प्रोजेक्टर के द्वारा यहाँ पर। तो आज सभी जो सफल लैंडिंग होने वाली है उसका जो खुशी का प्रसारण है वो दिखाया जा रहा है। छात्र भी पूरे उत्साह का बता सकते, सुबह से लगातार जो अनुभव है बारिश की वजह से है, इसके बावजूद भी जो स्कूली छात्र एक एक वीडियो दिखाई जा रही है, मौसम खराब है बहुत, उसके बच्चे यहाँ पर बीते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जी आपका नाम? जी देखिए, साफ तौर से जो उत्साहित और पूरा साली जो फल है इसको देखने के लिए यहाँ पर जो आए हुए हैं और सामने जो प्रोजेक्टर है वो लगा हुआ है। आज से कुछ ही समय के भीतर जो चंद्रयान 3 है उसकी जो सफल लैंडिंग है, चंद्रमा पर
अरुण, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी बच्चे से बात आप बच्चों से आप कर रहे थे, तो भारत माता की जय, वहां पर कुछ और सीनियर्स लोग हैं, वो इसरो के वैज्ञानिकों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इसके विषय में भी थोड़ा बात करें। चलिए, महेंद्र माही नोएडा से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि नोएडा में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रहा है, अब वक्त धीरे धीरे करीब आता जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्या कुछ आपको हलचल सुनाई दे रहा है, क्या किस तरीके से बातचीत कीजिए लोग अगर आपके साथ है तो? बिल्कुल सर, अब देखिए चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है 6:04 होने, मगर उससे पहले जो हम अपने देश की भारत की बात करें, दूसरे कंट्री की बात करें, हर कोई भारत पे निगाह बना के रखा है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे अहम बात और अच्छी बात यह है क्योंकि चंद्रयान जो 3 है ये सफलता के बिल्कुल काफी करीब है। मात्र आधे घंटे बाद जो चंद्रयान 3 है उसकी मून पे काफी अच्छी लैंडिंग होने वाली है, मगर उससे पहले जो हमने देखा किस तरीके से जो इसरो का जो कमांड सेंटर, वहां तस्वीर हम दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जो इसरो का कमांड सेंटर है वहां से सारी चीज बताई जा रही, टेक्निकल जो चीज है वो बताई जा रही, किस तरीके से वहां का वेदर है। देखिए सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जब मिलेगी जब जो चंद्रयान का चंद्रयान 3 है वो जो मून पे लैंडिंग करेगा, वहां की तमाम गतिविधियों को लेकर भारत के जो साइंटिस्ट है वो इसको नापना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो अन्य और कंट्री है, यानी कि अन्य जो 3 और देश है उनके खुद के स्पेस चंद्रयान पर है, उसको लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से चंद्रयान 2 जब मून पे काफी करीब था, मगर जब लैंडिंग के दौरान वो क्रैश हो गया था, मगर इस बार का जो चंद्रयान जो 3 है उसको लेकर जो भारत के साइंटिस्ट यानी कि जो इसरो के साइंटिस्ट काफी उस पे भरोसा कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए कुछ मिनटों बाद भारत को वो सफलता मिलेगी जो अन्य जो देश है वो देखते रहेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात है देखिए जो चंद्रयान 3 है उसकी लागत 600 करोड़ बताई जा रही है, और इसमें काफी सस्ता सबसे बजट जो कम है पूरे देश में सबसे कम है हमारे पास। देखिए जो ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं सुबह से ही जो बारिश हो रही, बारिश के बावजूद भी लगातार जो बच्चे हैं उनका हौसला कम नहीं हो रहा, लगातार अपने हाथों में झंडा और तिरंगा ले रहे हैं, तमाम ड्राइंग उनके पास है, साफ तौर पे कह रहे हैं देखिए आने वाला जो कल है इन्हीं बच्चों का, इनमें से ही जो बच्चे हैं कल को नासा में काम करेंगे, इसरो में काम करेंगे, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में यही काम करेंगे, क्योंकि देखिए जो देश का भविष्य होता है इन्हीं से शुरुआत इन्हीं से होती है। देखिए इनके हाथ में जो आपको पोस्टर दिखाऊंगा किस तरीके से लिखा फेसेस ऑफ द मून, इस तरीके से चीजें दिखाई दे रही है, और ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, नोएडा के सरकारी स्कूल है, उस तरह के जो बच्चे आपको दिखाई देंगे, तमाम इनके अंदर एक्टिविटी होते, तमाम चीजों को इनके अंदर जानने की रुचि होती है, हमारे साथ फैकल्टी है, क्योंकि देखिए कोई भी छात्र कोई भी इंसान इसके पीछे सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है माँ बाप को होता है, माँ बाप के बाद जो दूसरा रोल होता है वो टीचरों को होता है। मैम आज चंद्रयान का तीसरा जो चंद्रयान टीचर वो लैंड करेगा, किस तरीके से आपकी तैयारी, बच्चे क्या कह रहे हैं? हमने सभी तरीके की तैयारियां की गई है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था से लेकर प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से जिस भी तरीके से हम दिखा रहे हैं कि बच्चे इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, इस तरीके से हमने तैयारी की अपने विद्यालय में। मैम बच्चों हमने देखा बाहर बारिश हो रही है उसके बावजूद भी बच्चे भीग कर आ रहे हैं, बस ये दिख रहे हैं कि चंद्रयान किस तरीके से लैंड हुआ। हाँ, ये हमारे बच्चे बहुत ही कर्मठ हैं, ये ना बारिश देखते हैं ना धूप देखते हैं, और जब इनके लिए देश के गरिमा की बात होती है तो ये अवश्य ही विद्यालय आ जाते हैं, इस तरीके का हमारे विद्यार्थियों के मन में उत्साह संपन्नता विद्यमान रहती है सदैव। सौरभ एक बात आपको बता दूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां अगर हम कंपैरिजन करें तो आज सरकारी स्कूल कई गुना आगे है, लोगों में बहुत उत्साह है और सब लोग आज ये दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करें। बहन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने आपको बताया और लगातार इंडिया न्यूज पे सबसे बड़ी कवरेज जारी है, चांद पर जय हिंद होने वाला है, कुछ ही समय बाकी है रस के बाद, अब देखना होगा कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होती है। यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए।